हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपके अपने चैनल बी क्रिएटिव में। मैं हूँ ऋषभ सिंह, लखनऊ से। ये आप देखिए, ये मैंने स्नेक प्लांट का लगाया हुआ है ये पॉट में। ये देखिए, देखने को काफ़ी खूबसूरत है। इतने कमरे मैंने एक्चुअली ये 6 गमले हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 गमले हैं। और 6 गमलों में मैंने ये करीबन काफ़ी सारे प्लांट्स हैं। नीचे से देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ, उसके छोटे छोटे बल्ब्स भी निकल रहे हैं मुझे साइड से, नीचे से। तो फ्रेंड, ये जो प्लांट है ये बहुत ही, इसको कोई केयरिंग की कोई ज़रूरत नहीं आती है। आप 10 दिन बाद पानी दें, 12 दिन बाद पानी दें, लेकिन 15 दिन के अंदर एक बार पानी दे दें इसको। तो 15 दिन तक पानी से ना भी दे तभी भी चलेगा ये। इसको आप इंडोर रखें, आउटडोर रखें तो काफ़ी अच्छा रहता है। ये इसको इंडोर रखें, आउटडोर रखें, कहाँ कहाँ कहीं भी रख सकते हैं। ये आप इसके देखिए टिप पे आप देखिए, टिप में थोड़ी सी पॉइंटेड इसकी टिप होती है। इसके कई सारे वैरायटीज़ में आते हैं। जैसे मेरे पास अभी तक अवेलेबल 2 वैरायटीज़ की हैं मेरे पास। और आप इसे, अगर आप इसे फ्रेंड स्टडी एरिया या फिर इंडोर रखते हैं तो इसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आता है, क्योंकि ये जल्दी जल्दी प्रोपोगेट करता है। और इससे एक से कई सारे पौधे मैंने बना रखे हैं। और ये बहुत ही, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देना, ना इसको कोई फर्टिलाइज़र ऐड करना है ना कुछ रखे। लेकिन हाँ फ्रेंड, इसकी मिट्टी भी वेल ड्रेंड होनी चाहिए, ज़्यादा शॉगी नहीं, शॉगी सॉइल नहीं होना चाहिए। और इसे 15 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर, जैसा आपको मिट्टी ऊपर की लेयर ड्राई दिखे तो आप इसमें वाटरिंग कर दिया कीजिए, जैसा कि मैंने अभी नहीं किया है क्योंकि मुझे अभी करना है पानी। ये टाइम नहीं मिल पाता, मैं कॉलेज जाता हूँ आता हूँ, फिर मुझे टाइम नहीं हो पाता जल्दी प्लांटिंग का। लेकिन मुझे प्लांटिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, बट टाइम नहीं है मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए। तो थोड़ा मोड़ा बस देख लेता हूँ ऊपर आके, बाकी तो पानी कोई और डाल देता है, कोई और कुछ कर देता है। तो ये आप देखिए, यहाँ पे प्लांट्स की केयरिंग के बारे में मैं आपको बताता रहता हूँ, अक्सर मेरे वीडियोज़ में आपको समझ में आ जाता होगा। तो एक तो मेरे पास ये वैरायटी हो गई, और मैं दूसरा आपको वैरायटी दिखाता हूँ। ये है मेरे पास दूसरी वैरायटी की, ये फ्लावर शेप में आता है। देखिए इसमें, इसको मैंने छोटे से पॉट में, एक्चुअली मेरे पास एक और ये दो हैं मेरे पास। और ये फ्रेंड्स काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। आप इन्हें आप इंडोर भी रख सकते हैं, आज किचन में, या फिर अब इसको जैसे मेरा पॉट तो थोड़ा सा देखने में बेकार लग रहा है, लेकिन आप इसको अच्छे से पॉट में रख के, और सेरेमिक पॉट जो आते हैं उसमें आप रख के, और इन्हें आप डाइनिंग टेबल, किचन या फिर बेडरूम में भी आप इवें दो रख सकते हैं। और फ्रेंड, सबसे बड़ी इस प्लांट की खासियत है कि ये जो हार्मफुल गैसेस होते हैं, जो फ्रिज से निकलते हैं, टीवी से निकलते हैं, माइक्रोवेव हुआ, और जो भी सब निकलते रहते हैं, उन सब को एब्जॉर्ब करके और आपका जो आपका एटमॉस्फियर है, एनवायरमेंट है, उसको क्लीन कर देता है ये प्लांट, क्लीन कर देता है। और सबसे बड़ी मैं आपको इसका बात बताऊं, इसकी लीफ देखिए काफ़ी लंबी लंबी तक इसकी हाइट्स आई हुई हैं। और ये टिप पे आप देखिए थोड़े से नोकीले टाइप के आपको नज़र आ रहे होंगे, ये काफ़ी थोड़े से चुभने टाइप के भी हैं। तो फ्रेंड, सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में लगभग बता दिया। और इसे फर्टिलाइज़र की बात कर लें तो आप इसे फर्टिलाइज़र दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। महीने 10 दिन पे आप जब इसको वाटरिंग करें, एक चम्मच आप या 1 चम्मच से 2 चम्मच काउडंग जो आते हैं मार्केट में, आप वो इसमें डाल सकते हैं। और सनाबी फर्टिलाइज़र ऐड करें तभी भी अच्छा ग्रोथ करता रहता है फ्रेंड। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना। बाय फ्रेंड, गुड नाइट, बाय बाय।